सब्सक्राइब कीजिए डू यू नो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए माइथोलॉजी से जुड़ी कुछ अनोखी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए। दोस्तों, हमारे कुछ एपिसोड्स देखने के बाद हमारे कई दर्शक उस वीडियो के दूसरे एपिसोड की मांग करते हैं। उन एपिसोडों के अवेलेबल होते हुए भी वे उसे सर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे वीडियोस को एपिसोड वाइज देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं, जिससे कि आप पूरी तरह से उस कथा को समझ सकें। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी पुरुष या महिला की मृत्यु के पश्चात उसे उसकी पारंपरिक विधि के अनुसार उसका चितारोहण करके पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। परंतु सनातन धर्म में गर्भवती महिलाओं का चितारोहण करना निषेध माना गया है। फिर भी क्या आप जानते हैं कि एक बार एक रानी ने गर्भ होने पर भी अपने पति की चिता के साथ सती होने का निश्चय किया था? क्यों लेना पड़ा था उसको ऐसा निर्णय और क्या हुआ था उस रानी का, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, इस कथन का वर्णन नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में, श्रीमद् भागवत पुराण के नवे स्कंद के आठवें अध्याय में, विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के चौथे अध्याय में और हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के चौदहवें अध्याय में मिलता है। सूर्य वंश कुल में कई प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ था। उसी कुल में वृक पुत्र बाहु का भी जन्म हुआ था। राजा बाहु ने अपने पराक्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराजा बाहु अधिकतर ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि दान देकर भली भांति तृप्त किया करते थे। परंतु एक समय राजा बाहु के मन में असूया के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जो कि सब संपत्तियों के विनाश का सूचक था। इस कारण वह यह सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला हूँ, मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है, मैं वेदों और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। इसी कारण राजा बाहु अपने प्रबल शत्रुओं है और तालजंग से परास्त हो गए। अपनी इस अवस्था से दुखी होकर राजा बाहु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। उस समय राजा बाहु की बहुत निंदा हुई थी, क्योंकि असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है, मोह के समान कोई भय नहीं है, अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए राजा अत्यंत दुखी हो गए और इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद मानसिक संताप के कारण रोग से ग्रस्त होकर औरव मुनि के आश्रम के निकट ही राजा बाहु संसार से चल बसे। उस समय राजा बाहु की छोटी रानी गर्भवती थी, तो वो भी दुख से आतुर हो विलाप करके अपने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार करने लगी। दोस्तों, इसी बीच महातेजस्वी औरव मुनि वहां आ पहुंचे। वे अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते थे। उन्होंने अपने योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। तब वे राजा बाहु की पत्नी के पास आकर यह बोले, तुम पतिव्रता हो, किंतु चिता पर चढ़ने का साहसपूर्ण कार्य ना करना, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। तब औरव मुनि ने उसे और समझाते हुए यह कहा, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल ना देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती, उनके लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बतलाया है, पाखंडी और परनिंदा का भी उद्धार बतलाया है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है, अतः तुम्हें यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के यह वचन सुनकर रानी ने चितारोहण का विचार त्याग दिया। तब औरव मुनि ने रानी से कहा कि इस समय इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। फिर मुनि ने उससे दाह संबंधी सभी कार्य करवाए। फिर तालाब के किनारे जाकर मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की
अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने से राजा बाहु की पुण्य आत्मा परम धाम को चली गई। पति का श्राद्ध कर्म करके रानी औरव मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।